बिहार की सबसे प्राचीन और खूबसूरत जिलों में से एक कैमूर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ है। पर्वत और वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा रामगढ़ गांव, दुरौली, चैनपुर, भगवानपुर, भभुआ, विद्यानाथ और मुंडेश्वरी स्टोन मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। चट्टानों पर हुई चित्रकारी कैमूर की एक बड़ी खोज है। इन चित्रों का संबंध मेसोलिथिक काल से है। माना जाता है कि यह चित्रकारी 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय की है। इनमें से कई चित्र जानवरों के बने हुए हैं। कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी का अद्भुत मंदिर है, जिसके चलते यहां काफी पर्यटक आते जाते रहते हैं। कर्मनासा और दुर्गावती जिले की दो प्रमुख नदियां हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार का यह जिला, जो पूर्व में रोहतास जिला का एक अंग था, भारत के उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करती है। कैमूर सुंदर पहाड़ों, झरना, झील और जिले की शान मुंडेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यहां से कुछ पुरातत्वीय अभिलेख भी प्राप्त हुए थे, जिनका काफी महत्व माना जाता है। कैमूर में स्थित अधौरा नामक जगह बिहार के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जगह समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अधौरा भभुआ से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्वतों और जंगलों से घिरे इस स्थल की खूबसूरती देखने लायक है। यही कारण है कि काफी संख्या में पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं। रामगढ़ मुख्यालय के दक्षिण से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ गांव है। यहां पर एक अति प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश ने करवाया था। इस मंदिर में कई प्राचीन सिक्के और अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मौजूद हैं। बैजनाथ में स्थित शिव मंदिर का शिखर एक शिला को तराश कर बनाया गया है। इसके अलावा दरौली गांव रामगढ़ के उत्तर पूर्व से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। दरौली गांव में दो प्राचीन मंदिर हैं तथा यहां प्राचीन जिले का सर्वाधिक बड़ा तालाब भी है। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर जिले के रामगढ़ गांव में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर 636 ईस्वी से ही अस्तित्व में है। यह मंदिर गुप्त काल की वास्तु शैली का एक अनोखा उदाहरण है। मुंडेश्वरी मंदिर के तराई में स्थित रामगढ़ गांव काफी मनमोहक लगता है। यह गांव पहाड़ों और प्रकृति के गोद में होने के कारण काफी आकर्षित दिखता है। कैमूर के रामगढ़ गांव में स्थित मां मुंडेश्वरी का मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के ही भांति रामगढ़ गांव भी काफी ऐतिहासिक है। मुंडेश्वरी मंदिर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर भगवानपुर और चैनपुर के बॉर्डर पर एक डैम स्थित है। यह लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इस डैम से सिंचाई की जाती है। यह डैम अंत में गेहुआ नदी में मिल जाती है और गेहुआ नदी आगे जाकर कर्मनाशा नदी में मिलती है। कैमूर बिहार के सबसे विकसित जिलों में से एक है। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके साथ साथ भारत के कई प्रमुख शहरों से कैमूर जिले में रेल मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप रोड मार्ग से जाना पसंद करते हैं तो कैमूर सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होते हुए कैमूर पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेहतरीन पर्यटन स्थल, प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्थलों से भरा यह जिला का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अगर इस पर और अच्छे से ध्यान दिया जाए तो यह जिले की पूरी अर्थव्यवस्था का सुधार कर सकती है। ऐसे ही एक और जिले के साथ उपस्थित होंगे। मैं बिहार हूँ।